والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया की जो सिचुएशन है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल का जो मामला है, वो बड़ा पेचीदा होता जा रहा है. बड़ी तेज़ी के साथ हमारी नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर सोशल मीडिया की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से, यूट्यूब की वजह से जाती हुई दिखाई दे रही है. कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने वाज़े लफ्ज़ों में फ़रमाया, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल्फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन. छुपी हुई बेहयाई हो या ज़ाहिरी तौर पर बेहयाई हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फ़रमाया कि इसको हराम करार दिया गया है. आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल का ब्रेन सही हो, उनकी मेमोरी शार्प हो, वो मुल्क की तरक्की के अंदर कोई रोल प्ले कर सकें, तो उन नौजवानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो उरियानियत, बेहयाई, बदकिरदारी, गंदी पिक्चरें, इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें. डे बाई डे हमारी नौजवान नस्ल रात भर जो है वो बदकिरदारी में गिरफ़्तार होकर अपनी जवानी और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रही है. आज ज़रूरत इस अम्र की है कि इसके सिलसिले में मीडिया अपना रोल प्ले करे, और ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए भी जो इस किस्म की चीज़ें दिखाई जाती हों उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए, जिससे जज्बात मुश्ताइल होते हों. और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कोरोना के सिलसिले में जो इस पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है, मेरी एक किताब है इस्लाम में जरासीम से बचने की तरगीब, और ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में वायरल हुई है. ज़्यादा मोटी नहीं है, 20-25 पेजेस की है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोरोना क्या हर किस्म के मर्ज़ से बचने के लिए जो तालीम अता फरमाई है, वो तालीम पर अमल करने की बुनियाद पर हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं. इसी के साथ साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से रोज़ी में भी काफ़ी तंगी पैदा हो चुकी है, और लोग बेरोज़गारी के शिकार हैं. एम्प्लॉई जो थे वो इस वक्त जॉबलेस हो चुके हैं. ये सारी चीज़ें इस वक्त मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं. इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि हम सिंपल लाइफ के आदी बन जाएँ. देखिए, एक बात ख़ास तौर पर समझना है कि अल्लाह ताला ने नेचुरल चीज़ों को नहीं रोका. आर्टिफिशियल जितनी चीज़ें थीं उसके हवाले से आप देखें, जो लोग होटल में खाने के आदि थे, जो पिज़्ज़ा खाने के आदि थे, जो आउटिंग के आदि थे, जो लिविंग स्टैंडर्ड जिनका हाई था, लाइफ स्टाइल जिनकी हाई थी, जो घर में बैठने के आदि नहीं थे, उनके लिए डिफ़िकल्टी ज़्यादा हुई, और उसके लिए लॉकडाउन लगा और उसके सिलसिले में रिस्ट्रिक्शन लगी. लेकिन आप देखें, हवा नेचुरल है, अल्लाह ने नहीं रोकी. पानी नेचुरल चीज़ें अल्लाह ने नहीं रोकी. सब्ज़ी नेचुरल चीज़ें, वो ज़मीन से उग रही है, गोश्त इंसान खा रहा है. ये सारी नेचुरल जो चीज़ें हैं, तो जिनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सिंपल थी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जो लेविश लाइफ गुजारते थे उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई. और अभी जो लॉकडाउन की वजह से
बहुत ज़्यादा जॉबलेस जो लोग हो रहे हैं उनके सिलसिले में भी कौम को आगे आना चाहिए और उनके लिए कुछ जॉब का अरेंजमेंट करना चाहिए, जिस तरीके से भी हो सके इंसानियत की खिदमत की जाए और इंसानों के भले के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये चंद चीज़ें थी जो मैं आपके ज़रिए दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि इसकी तरफ लोग तवज्जो भी दें और सोच पाकीज़ा बनाएं, दिल पाकीज़ा बनाएं, आदत पाकीज़ा बनाएं, इससे इंसान को सुकून मिलेगा। याद रखें, बहुत सारे लोग डिप्रेशन की वजह से गंदी पिक्चरें भी देखते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू नोशी भी करते हैं और न जाने क्या क्या ब्राउन शुगर और ड्रग्स वगैरह लेने के आदि और शराब के आदि बन जाते हैं। मैं डिप्रेशन का एक सिंपल सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, स्पेशल फॉर मुस्लिम और जनरल सब के लिए। जब भी आपको डिप्रेशन जैसा फील हो तो आपको कुछ नहीं करना, कोई अच्छी किताब ले लें और उसे पढ़ना शुरू करें, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ मुसलमान हैं तो कुरान शरीफ तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें, अच्छी किताबों के साथ साथ आप डिप्रेशन से थोड़ी देर के अंदर ही बाहर आ जाएंगे और आपको रिलैक्स फील होगा। डिप्रेशन का सॉल्यूशन ड्रग्स नहीं है, डिप्रेशन का सॉल्यूशन शराब नहीं है, डिप्रेशन का सॉल्यूशन आवारागर्दी नहीं है। डिप्रेशन का सॉल्यूशन ये है, अच्छी चीज़ों की तरफ आप माइल हों, इसी के साथ मखलूक खुदा की खिदमत करें, आपका डिप्रेशन खुद ब खुद कम हो जाएगा। बस आखिर में एक सेंटेंस पर मैं अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करता हूँ, सुकून पहुँचाओ, सुकून मिलेगा। सुकून नहीं पहुँचाओगे, खुद भी बेकरार रहोगे और दूसरा भी बेकरार। आज अहद करें, हम खुद को भी सुकून देंगे और दूसरों को भी सुकून पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी इंशाल्लाह वो सुकून गुजरेगी। अस्सलाम। अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के घर की तामीर की, अल्लाह कल बरोज़े क़यामत उन्हें जन्नत में महल अता फरमाएगा। इस्लाम में जरासीम के सद्दे बाब के सिलसिले में इंग्लिश में भी ये किताब आ चुकी है, तो इस किताब के अंदर जैसे आज आप सुन रहे हैं कि फ़ोन जियो का अगर आप किसी को लगाएं तो फौरन अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती है, हाथ धो, ये करो, ये सारी बातें ये आज ही लोग सब बता रहे हैं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया। यहाँ तक कि आप सुबह उठो तो सबसे पहले हाथ धो, खाना खाने से पहले हाथ धो, वुजू से पहले हाथ धो, कर्ज के हाथ धोने की बार बार हमें ताकीद की गई है, बार बार तालीम। अब आप देखिए ना, बैक्टीरियाज़ के हवाले से और वायरस के हवाले से मैं बताऊँ, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूछों को पस्त करो, दाढ़ी को बढ़ाओ, इसलिए कि मूछें बड़ी होंगी तो उसके मूछों पर जो है ना बैक्टीरियाज होंगे, आप अगर पानी पियेंगे तो मूछें बड़ी होंगी तो बैक्टीरियाज पानी के साथ चले जाएंगे। खाना खाने से पहले जब हाथ धो तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ को मत पोंछो, इसलिए कि आप टावेल या टिश्यू से हाथ पोंछेंगे तो उस पर जो बैक्टीरियाज लगे होंगे वो आपके हाथ में आएंगे, आप खाएंगे तो खाना आपके पेट में जरासीम के साथ जाएगा। तो खाने से पहले हाथ धोकर हाथ पोंछो नहीं, इसी तरीके से खाने के बाद बहुत अच्छी तरीके से हाथ पोंछो, इसलिए कि आपने अगर कोई जो है वो चिकनी चीज़ खाई है, यानी गोश्त वगैरह आपने खाया है जिसमें तेल घी वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो आपने अगर बहुत सिंपली हाथ धोया है तो चिकनाहट हाथ में रह जाएगी, जिससे खुशबू आएगी और कीड़े मकोड़े खुशबू सुनकर आपके हाथ को तकलीफ पहुँचाएंगे, तो हाथ अच्छी तरह से धो लो ताकि आपको कोई भी कीड़ा मकोड़ा तकलीफ न पहुँचाए। आप सॉक्स पहन रहे हैं, सरकार ने फरमाया झाड़ करके उसे पहनो, कोई कीड़ा अंदर न हो। जूते पहन रहे हैं, उसको झाड़ दो, कोई अंदर मौजूद जानवर आपको तकलीफ पहुँचाने वाला ना हो। तो इस तरीके से जगह जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दुनिया आज कह रही है, हम तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो 1400 साल पहले इसके हवाले से मौजूद है। छींक आए तो मुंह पे हाथ रखना, जमाई आए तो मुंह पे हाथ रखना, ये सारी तालीमात पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही दे दी है। हम भूल गए हैं और दुनिया जो है फिर उसी तरफ पलट रही है, और आप देखेंगे कि अब मिट्टी के बर्तन की फजीलतें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए, और मैं आपको वो बुक इंशाअल्लाह लज़ीम साथियों के ज़रिए PDF भिजवाऊँगा, आप उसे लोगों तक पहुँचाएँ, पढ़े लिखों तक, इंग्लिश के अंदर भी उर्दू के अंदर भी काफ़ी मालूमात उससे हासिल होगी। फॉरेन के अंदर इसको इस वक्त PDF के ज़रिए बहुत लोगों ने इसको देखा है और पढ़ रहे हैं।